नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। सहारनपुर में डीजल पेट्रोल गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पर भी डीजल पेट्रोल और खासकर गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों का असर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जनपद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के गंगोह विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर गंगोह तीतरो मार्ग पर झाड़वन में डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में जमकर प्रदर्शन भी किया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग अपने सिर पर खाली सिलेंडर रखकर उन्हें नज़दीकी गैस एजेंसी पर सौंपने के लिए पैदल ही चलते हुए नजर आए हैं। सपा नेता चौधरी इंद्रसेन ने कहा है कि सन 2014 से और 2017 में भाजपा सरकार ने जो अच्छे दिनों का वादा जनता से किया था, जनता उन अच्छे दिनों को आज अपने कंधों और सिर पर ढो रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और आम इंसान का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हमें मालूम हुआ कि हमारे अच्छे दिन आ गए, उन अच्छे दिनों को हम ढोते फिर रहे हैं कंधों पर। डीजल पेट्रोल गैस महंगाई अपना इनकी बढ़ती जा रही, दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी महंगाई से त्रस्त हो गया। गांव गरीब देहात का आदमी कहां पे जाए, किसान मजदूर हलकान है। तो आज हम सबके सब ये सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या करें, इन अच्छे दिनों को हम किस तरीके से अपने कंधों पर लेकर चलें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सपने 2014 में 17 में दिखाए थे, उनकी मार आज झेलनी पड़ रही है। और मेरा तो यही कहना है कि भाजपा ये कहती आ रही है कि हमें तो सीटें मिल रही हैं, जनता का साथ हमारी साथ है। मैं अपील करना चाहूँगा जनता से कि ये जो पंचायत चुनाव हैं, इस चुनाव के अंदर इनको सबक सिखाएं, वोट की ऐसी चोट दें जिससे इन्हें कम से कम जो समय रह गया उसमें कुछ सोचने का मौका मिले। हमारे किसान हैं गाजीपुर हैं, और मुख्यमंत्री खट्टर विधानसभा में कह रहे कि हम बिल्कुल कह रहे कानून वापस नहीं होंगे, कोई कुछ भी कर ले, जो हमने कह दिया वो फाइनल है। तो ताना सही है, तो राजतंत्र है। तो ये सिलेंडरों को सौंप करें भाई, पेट्रोल डीजल इतना नहीं है जो हम इनको ले कर जा सकें। बसों में किराया बढ़ गया, उसमें नहीं ढो सकते, पैदल ही सौंप करें। डीजल तो इतने महंगे हो गए सिलेंडर के, इनको भरवाने के लिए पैसे भी नहीं हमारे पास हैं। जहाँ भाई हमने सौंप दो उन्हें। कारण क्या है? कारण ये है कि महंगाई इतनी हो गई, जितने गैस के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कि हम लोग जो है अब खरीद को जो है खरीदने में असमर्थ है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो सरकार ने तो जो है जो गरीब लोग हैं उन्हें उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो है कनेक्शन दिए हैं गैस के, लेकिन उसके बाद जो है उनको भरवाने के लिए पैसे तो नहीं है। आज जिस तरह से बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी सरकार डीजल पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगा पाती है या नहीं। अपने सहयोगी साथी संजय चौधरी के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।